हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फार्मेसी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीएलसी लो के बारे में। दोस्तों सीबीसी विड्राल टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है कि आपके टीएलसी हाई है या लो है। दोस्तों सीबीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कम्प्लीट ब्लड टेस्ट होता है दोस्तों, और इसको आपके नज़दीकी लैब से करवाना पड़ता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से दोस्तों। तो हम बात करेंगे टीएलसी लो के बारे में दोस्तों। यदि कोई पेशेंट है, अगर उसकी टीएलसी लो है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को कौन सी दवा देनी चाहिए, पेशेंट को कौन सी दवा लेनी चाहिए, ये सब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं टीएलसी लो के बारे में दोस्तों। दोस्तों टीएलसी यदि आपकी लो हो जाती है, तो आपको उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है दोस्तों। उसके बाद में डॉक्टर जो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन आपको करेगा, उसके हिसाब से आपको दवाई करना है। बट यदि आपको किसी कंडीशन में, यदि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे लेना है और कैसे यूज करना है और ठीक कैसे होना है दोस्तों। उस टीएलसी को हाई करने के लिए पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सी मेडिसिन यूज करना है दोस्तों। टीएलसी के फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है दोस्तों एक प्रकार का। तो यदि ये आपका लो हो जाता है, लो होने के कई कारण दोस्तों, इसके कारण हैं लो होने के। यदि आपको काफ़ी दिन से बुखार हो रहा है, आप एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं और आपको आराम नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी टीएलसी लो हो जाएगी और आपके पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि टीएलसी कम होने पर आपको बार बार फीवर आएगा दोस्तों, और आपके पैरों में दर्द ख़त्म ही नहीं होगा, आप चल नहीं पाओगे, अपने पैरों के दम पे खड़े नहीं पाओगे दोस्तों टीएलसी कम होने पे। आप हमारे सामने एक रिपोर्ट देख सकते हो दोस्तों, इसमें 2700 टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इसमें दोस्तों 2700 दिखा रहा है आपको, और नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 तक होनी चाहिए दोस्तों, आप देख सकते हो रिपोर्ट में। तो दोस्तों ये हैं इसके लक्षण टीएलसी लो होने के कारण। आपके पैरों में दर्द होगा, आपको तेज़ बुखार आएगा, आपको वोमिटिंग होगी और हेडेक होगा, और सबसे ज़्यादा आपके पैरों में पेन होगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में दोस्तों, इसको इमरजेंसी में कैसे ठीक करना है, किन मेडिसिन का यूज़ करना है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक मेडिसिन है, वो है कैल्शियम सिंड्रोज दोस्तों, और आप देख सकते हो एनियस आई बी सेट आप देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों कैल्शियम सिंड्रोज को आप 100 ml एनियस में डाल दीजिए, और आई बी सेट करके पेशेंट को बीगो डाल के आप इसको 1 घंटे में चढ़ाइए दोस्तों। करना क्या है कि आपको 100 ml एनियस में कैल्शियम सिंड्रोज को डाल देना है, और पेशेंट को बीगो में आई वी कर देना दोस्तों। उससे क्या होगा कि 1 घंटे में पेशेंट को कैल्शियम सिंड्रोज की डोज चढ़ जाएगी, और साथ में यदि पेशेंट को ज़्यादा पेन कूलर हो रहा है, उसको फीवर है, तो आप उसके साथ में एक 650 टेबलेट डोलो देख सकते हो, आप डोलो 650 PCM, इसको आप TDS दे सकते हो 3 टाइम, यानी कि सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। और दोस्तों एक इंजेक्शन है बिग हाइसो, इसको भी आपको वाटर के साथ में डायरेक्टली बीगो में आई वी करना दोस्तों। जब भी ये वीडियो खासकर स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं दोस्तों उनके लिए, तो आपको क्या करना है कि 2500 mg का बिगबिन आता है, 2500 mg का, तो बिगबिन इंजेक्शन और प्लस वाटर के साथ में इसको बीगो में डायरेक्ट आईवी कर देना, स्लो आईवी करना है, स्लो। और एक इंजेक्शन आप देख सकते हो दोस्तों इमसेट, इसको भी डायरेक्ट यूज कर देना है बीगो में, और पेंटाफ आईवी दोस्तों, इसको भी डायरेक्ट बीगो में आईवी कर देना दोस्तों। हम कुछ बात कर लें टेबलेट के बारे में दोस्तों, तो हम आपको पहले बता ही दिए हैं टेबलेट 650 देना है, और दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेबलेट एक और है, उसको रात में लेना है आपको ओडी न्यूरोकाइंड दोस्तों। ये टेबलेट आपको 5 दिन लगातार लेना है, न्यूरोकाइंड ओडी रात में, और डोलो 650 आपको 3 टन दोस्तों लेना है। और ये प्रोसेस पेशेंट के साथ में 5 से 6 दिन करना है, उसको 1 टाइम ये पूरी ट्रीटमेंट 1 टाइम देना है, ये आज से 5 दिन तक लगातार को पेशेंट को सुबह सुबह में ये ट्रीटमेंट देना है दोस्तों। 5 दिन के बाद फिर पेशेंट की एक टीएलसी टेस्ट करवाइए और देखें कितना बढ़ा दोस्तों। 100% गारंटी है कि ये मेडिसिन से पेशेंट का टीएलसी बढ़ जाएगा, और उसके पैरों में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा, और लुंजपन पैरों का खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दोस्तों, और अगर आपको वीडियो कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।